हेलो यार, आज के टाइम पे अभी के टाइम पे सीरियसली बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक है कॉलेज, दूसरा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बट हाउ, कैसे? आप यार एक अच्छा कॉलेज अपने 5 लाख रैंक, 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख कैसे ले सकते हो? खैर, कुछ कॉलेजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी हाई रैंक पे आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज यार अलॉट हो रहा होगा इस मोमेंट पे, जहाँ पे हजारों कॉलेजेस की क्लासे ऑलरेडी स्टार्ट चुकी है। हजारों बच्चों ने अपनी एक एक यूनिट अभी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ बिल्कुल तुम्हें ही बोल रहा हूँ, क्या देख रहा है तू? कॉलेजों के अंदर एक एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लास से स्टार्ट हो चुकी है, और तुम लल्लू लाल चमन लाल घर पर बैठे बैठे देख रहे हो अभी भी यार कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर से पढ़ाई करनी नहीं है, कोचिंग में फिर से नहीं जाना, बस जाना है तो कॉलेज में जाना। पर कैसे, डोंट वरी, शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कॉलेज। बस यार, मेजोरिटी ऑफ द सीटें आज अगर देश के अंदर कहीं भरी जाएगी आप तो वो जो काउंसलिंग बची है वो हमारा योगी बाबा का उत्तर प्रदेश। हाँ जी, मेजोरिटी ऑफ द सीटें आपकी वहीं पर भरी जाएगी। खैर, कुछ कॉलेजों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे काफी ज्यादा लाखों रैंक पे आपको सीएससी, आईटी, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक ब्रांचेस देखने को मिल रही होगी। इसके साथ में ईसीई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड लोट ऑफ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। खैर यार, वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम हर साल पिछले 6 साल से हजारों बच्चों को 100% अलॉटमेंट दिलाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, जो कि हमारा पेड प्रोसेस है। इसके बारे में वो आप वीडियो के एंड में जानोगे। एंड हाँ, बहुत सारे हजारों बच्चों के कंप्लेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर काउंसलर्स हैं जिन्होंने आपसे 5,000 रुपीज लिए होंगे, 4,000, एंड बहुत सारे चमन लाल तो सिर्फ 500-600 रुपए लेके आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बना देते हैं एंड आपको देते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। ये काउंसलिंग में ऐसे पार्टिसिपेट करो और आपको टिल लास्ट राउंड तक कुछ भी नहीं मिलता है, और आपका जाता है तो पैसा और टाइम। खैर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू, हिमाचल, कश्मीर, आप सब की बात करेंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं यूपी की। हाँ, तो यार यूपी के अंदर कुछ कॉलेजेज है जो कि आपको काफी लाखों रैंक में देखने को कौन कौन सा कॉलेज मिलते हैं, देख लेते हैं। हाँ यार, आपने नाम सुना होगा, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है फिरोज गांधी, हाँ रायबरेली के अंदर पड़ता है, काफी अच्छा ठीक ठाक कॉलेज है, आपको वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में आप अगर नोट करोगे तो आप नोट करो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद में एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वैसे इसका जो पार्क बनाया गया, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो बिल्डिंग है, लाजवाब है। वैसे एनसीआर के अंदर ही पड़ता है। आईईटी लखनऊ, हाँ जी, एकेटीयू के अंदर पार्टिसिपेट करता है, काफी ज्यादा हाई रैंक पर जाता है। सीएलसी ब्रांच 30,000, ईसी ऑलमोस्ट 50,000, हाँ केमिकल 90,000, 1 लाख के लमसम। उसके बाद में आपने सुना होगा NIT सुल्तानपुर, हाँ जी, CSC 50,000, IT की बात करते हैं, IT 60,000। उसके बाद में केमिकल 1,20,000। आपने MMUT का नाम सुना होगा, मदन मोहन मालवीय, हाँ MMUT गोरखपुर में पड़ता है। स्पोर्ट राउंड इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसमें जरूर से ट्राई करो। हाँ जी, BIET झांसी आपने देखा होगा, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। CSC ऑलमोस्ट 50,000-60,000 रुपए मिल जाते हैं। यार ये वैसे टॉप के कॉलेजेज, आप लोग बोलोगे भैया आपने लाखों रैंक का कहा था, यहाँ पे 50,000 रुपए CSC मिल रहा है, हमारे तो लाखों में रैंक है, 4 लाख 3 लाख, हमको कैसे CSC मिलेगा? रुको जरा, सब्र करो, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में आपका था EITH, हाँ कानपुर के अंदर पड़ता है ये। इसके अंदर भी आपका CSC ऑलमोस्ट 80,000 तक चला जाता है, IT 1 लाख तक चला जाता है, केमिकल 2 लाख तक चला जाता है। हाँ जी, उसके बाद में कुछ कॉलेजेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने JSS नोएडा का नाम सुना होगा, EIT गाजियाबाद का नाम सुना होगा, हालांकि कुछ प्राइवेट भी है। खैर, हमारा मेन मोटिव जो रहेगा वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड GFTI कॉलेजेस के ऊपर रहेगा। खैर यार, हम कॉलेज जानकारी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, चाहे वो जोसा हो, चाहे वो CSAB हो, चाहे वो JAC दिल्ली, JAC चंडीगढ़ रही, राजस्थान, IIT गुजरात, AKTU, UPTSC, या फिर जितनी भी काउंसलिंग होती है आपने सब में ट्राई करके देख लिया होगा, लेकिन अलॉटमेंट
नहीं आ रहा है। लेकिन यार कॉलेजों की एक क्या कमी है, जब भी हम टमाटर लेने जाते हैं हम क्या सोचते हैं, धनिया फ्री मिलना चाहिए, 10 रुपए तो कम से कम कराऊं। वही कमी है कॉलेजों की। कॉलेज क्या चाहता है, एक बच्चा ओवन एन एवरेज 4 साल के अंदर उसको 3 से 4 लाख रुपए पे करते हैं। अगर उसकी 5 सीटें भी खाली है, एवरेज 5 लाख से उसके 15 लाख का नुकसान हो रहा है। 15 लाख का नुकसान, अब वो ये सहन नहीं कर सकते। इसलिए कॉलेज क्या करता है, स्पोर्ट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन की फैसिलिटी देता है। बहुत सारे हजारों गवर्नमेंट कॉलेजों में हर साल सीटें वैकेंट रहती है। यार हमारे 2 प्लान चलते हैं, एक रोड मैप या फिर गाइडेंस प्लान रहता है, जिसके अंदर जो है हम आपको कॉलेजेस की लिस्टें, कॉन्टेक्ट नंबर, एडमिशन कोऑर्डिनेटर नंबर, यार ये अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है इस स्टेट में, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हाँ ये जितने भी है, यूपी हो गया, हाँ झारखंड, बिहार में हम एडमिशन नहीं कराते क्योंकि हम इनको अच्छा नहीं मानते, ठीक है। तो यार जितने भी स्टेट हैं हम आपको पूरी लिस्टें दे देते हैं, भैया ये अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, ये GFTI है, ठीक है, ये कॉलेजेज है, आप उनमें से अच्छा कॉलेज छांटते हो, भैया ये मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे को इसमें एडमिशन लेना। फिर आपके मार्क्स एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं, भैया इसका ये प्रोसेस है, आप इसके थ्रू जो है जा सकते हो और आपको टिल लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाता है। भैया वो सारी की सारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारा काम है बताना, ठीक है, एक रोड मैप दिखाना, सड़क के ऊपर एक्चुअल में आप ही को चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कैसे चल रहे हो, जल्दी चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, या फिर बीच में रुक गए, ठीक है, इसकी हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए हम नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, हमारे यहाँ 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी गर्ल्स स्टूडेंट्स बच्चियों को, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, ठीक है, कोई कहीं पे भेज रहा है, कोई यूपी से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। अब यार पेरेंट्स के काफी सारे सवाल होते हैं, भैया हॉस्टल फैसिलिटी, सिक्योरिटी, खाना, फीस, लोन, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन वो पूछे किससे। हमारे जो चमन लाल काउंसलर है वो तो आपसे पैसे लेके या तो आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज पर रिप्लाई करते हैं, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाता है, या फिर और क्या करते हैं ये लोग, आपको प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं। आपके पेरेंट्स के सवालों के जवाब कौन देगा, डोंट वरी यार, इसका ही कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। और ये गाइडेंस प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में मिलता है, जिसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं अभी, ठीक है। खैर यार एक हमारा और प्रो प्लान चलता है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि प्लान व्लान गया बाढ़ में, बस हमको एडमिशन चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए चाहिए किसी भी हाल में कॉलेज में जाना है। तो उस कंडीशन में हमारा एक प्रो प्लान चलता है, जिसके लिए हम ऑलमोस्ट 10,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हमें, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के लिए, बस वो आप हमें डॉक्यूमेंट दो, हम आपको कॉलेजेस की लिस्टें प्रोवाइड करते हैं, भैया इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको हमारी तरफ से जो भी प्रोसेस होता है आपको एक अच्छा ब्रांच, अच्छा सीट अलॉट करा के देते हैं, चाहे वो GFTI हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल के लिए 4 कॉलेज हमने चूज किया, पहले में हुआ ना भी हुआ कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, अगर टिल लास्ट राउंड तक भी नहीं होता है, ठीक है, वैसे हो जाता है जनरली, लेकिन यार आपको अच्छा नहीं लग रहा, भैया मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो अपने हिसाब से किसी प्राइवेट में जाऊंगा, किसी अदर में जाऊंगा, देन उस कंडीशन में हम आपका पूरा रिफंड आपके अकाउंट में इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन आपका एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपका गाइड करने का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बस हम आपको सीट अलॉट कराते हैं तो बस उसी का पैसा लेते हैं, ठीक है। और हाँ आप कोई भी सवाल पूछो, कॉलेज एंड लॉट ऑफ जानकारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। सो यार यूपी के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो आपके पास एक और कॉलेज आता है, IERT इलाहाबाद, जो भी काफी अच्छा ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है, वैसे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पे आपको CSE देखने को मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यार दिल्ली NCR में अगर आपका इंटरेस्ट है, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है IPU के कॉलेजेज। हाँ जी IPU को तो आपने नाम सुना होगा, वैसे ये जो कॉलेजेज है सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी रैंक जो है बड़ी वाली रैंक है, हाँ अच्छी रैंक है, जिनके बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने USICT देखा होगा, ऑलमोस्ट इसकी रैंक 15,000 से लेकर 30,000 तक जाती है, जो कि आप लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, ठीक है। USAR काफी अच्छा माना जाता है, 50,000 से 60,000 रैंक जाती है इसकी। MSIT आपने सुना होगा,
MAIT आपने सुना होगा, BVOC आपने सुना होगा, भगवान परशुराम आपने यहाँ पे सुना होगा, उसके बाद में भी जो अखिलेश दास गुप्ता वाला कॉलेज है वो भी काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। इनमें भी स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है। दिल्ली NCR में वैसे और भी स्टेट गवर्नमेंट काफी सारे हैं जो कि हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी, आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते। आज थोड़ा रिकमेंडेशन बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो अगर चल रहा है तो वो है, आपने सुना होगा, सैटेलाइट, मिसाइल, एरोप्लेन, हाँ, चांद, आसमान, इलोन मस्क, स्पेसएक्स, इसरो, नासा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बट यार अगर अपन देश में देखें तो आज सिर्फ और सिर्फ 5 IIT, 2 GFTI कॉलेज है, जिसमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, IIST सिद्धपुर एंड कुछ ही कॉलेजेस जो है आपको एरोस्पेस एरोनॉटिकल प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपको ऐसा ऐसा ऑप्शन देख रहे होते हैं और कोई भी आपको ये ऑप्शन नहीं देता है। यार इसी को देखते हुए 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक कॉलेज खोला जिसका नाम था PSAEC, जो की पटियाला में सिचुएटेड है। आप फिर से नोट कर सकते हो वेबसाइट PSAEC.in, जो की करता है एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल की डिग्री बीटेक के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज है, लो फीस स्ट्रक्चर है, आपको अगर अच्छा लगता है देन आप जा सकते हो। नया कॉलेज है, 2 बैच ऑलरेडी चले गए हैं, मतलब डेवलप होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा ये ब्रांच, स्पेशली इन द सैटेलाइट इंडस्ट्री, द बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और एरोस्पेस में अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है देन आपके लिए जन्नत ऑप्शन हो सकता है दिस फील्ड, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है एंड यार आपको कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, बोर्न सिस्टम एंड लॉट ऑफ अदर आपको सुनने को मिलेगा, देन आप दे सकते हो। ठीक है, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। आपको अगर अच्छा लगता है आप कॉलेज से बात करो, फैकल्टी से बात करो, एडमिशन कोऑर्डिनेटर से बात करो, आपको अगर अच्छा लग रहा है आप जा सकते हो डेफिनेटली। खैर यार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की तरफ। वैसे तो अदर कॉलेजेस की काउंसलिंग अभी ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रही है, हरियाणा में भी सेकेंड राउंड ऑलमोस्ट चल रहा है। यहाँ पे अगर बेस्ट कॉलेज माना जाता है, ठीक है, हरियाणा की काउंसलिंग के अंदर, तो वह है YMCA फरीदाबाद, क्योंकि यार फरीदाबाद जो है ऑलमोस्ट NCR के अंदर आता है। यहाँ पे फैसिलिटीज है, इंडस्ट्री है, इनोवेशन, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यार YMCA फरीदाबाद भी काफी ज्यादा लाखों रैंक पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में एक सोनीपत के अंदर कॉलेज पड़ता है, आई थिंक DCRUST, हाँ DCRUST आपने देखा होगा, MDU रोहतक आपने सुना होगा, UIT कुरुक्षेत्र हो गया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी काफी ठीक ठाक माना जाता है। उसके बाद में यार अगर हम बात करें MP के कॉलेजेज, हाँ MP के अंदर भी कॉलेज है भैया, यस बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें जो हम आपको कॉलेजेस बताते हैं, ठीक है, ये जो कॉलेजेस होते हैं कुछ गवर्नमेंट होते हैं कुछ ही प्राइवेट होते हैं। एक अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की काउंसलिंग है, पंजाब की काउंसलिंग है, तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 कॉलेज ही मिलेंगे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, इससे ज्यादा कॉलेज ठीक ठाक नहीं मिलते। वैसे तो 100-200 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनमें से हम 5 से 6 कॉलेज जैसे छांट कर रखते हैं जो मतलब ठीक कॉलेज होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं। ऐसा नहीं कि और कॉलेज नहीं होते, हजारों कॉलेज भरे पड़े रहते हैं, लेकिन हम उनको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि आपकी फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, तो हम दो चंद व्यूज के लिए, हम ये नहीं चाहते कि हम 2-3 वीडियो बना दें। ठीक है, तो समझ रहे हो। JEEC आपने सुना होगा, जबलपुर, ठीक है, JEEC जबलपुर आपने सुना होगा, काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश में ही है। RGPV है, काफी अच्छा कॉलेज है भोपाल के अंदर। उसके बाद में MITS भी काफी अच्छा कॉलेज है, आई थिंक ग्वालियर के अंदर पड़ता है ये। उसके बाद में DAV आपने सुना होगा, इंदौर वाला कॉलेज आई थिंक ये, ठीक है, SGIST इंदौर के अंदर पड़ता है ये, और LNCT भी भोपाल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेज थे मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम चलते हैं कुछ GFTI कॉलेजेस की तरफ और राजस्थान की तरफ। पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में रीप राजस्थान खत्म हो चुका है, राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं है। एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है MBM जोधपुर, RTU कोटा, CTI उदयपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज आ जाते हैं, जैसे कि JECRC फाउंडेशन हो गया, आर्या कॉलेज हो गया,
पूर्णिमा कॉलेज हो गया, आप SKIT हो गया, ये कुछ अच्छे ठीक ठाक कॉलेज राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यार अगर हम बात करते हैं GFTI कॉलेजेस यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। सो यार अगर हम बात करें कुछ GFTI कॉलेजेस की जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आज के टाइम पे, आपने GGU बिलासपुर का नाम सुना होगा, काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है। MMM UT भी ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है इसको। उसके बाद में आपके पास आता है GKV हरिद्वार यानी कि घनी खान विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है, नेहू जो सिलोंग के अंदर पड़ता है, ठीक है, जो भी काफी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CU जम्मू, CU कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, हाँ ऑलमोस्ट जितने भी GFTI कॉलेजेज हैं वो सारे के सारे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना है, इसके साथ में CU हरियाणा भी कंडक्ट करता है स्पोर्ट राउंड। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, GFTI कॉलेज हो गए जो कि जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, हर कोई अपना स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करता है, चाहे वो संत लोंगवाल हो या फिर राजस्थान का CU राजस्थान हो या फिर जितने भी ऑलमोस्ट GFTI है वो अपना राउंड कंडक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आपको अगर अच्छा लगता है देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो या फिर हमारा पेड काउंसलिंग में आप लोग इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको हम ट्राई करते हैं कि टिल लास्ट राउंड तक अलॉटमेंट दिला देंगे।